बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा ये कुछ जनरल लेक्चर हैं, जस्ट फॉर आपकी प्रैक्टिस है कि आपको जरा अच्छी तरह चीजों का पता चल सके। देखिए मैंने आपसे जब स्टार्ट अभी देखिए बुक तो कंप्लीट हो चुकी है उसकी तो बात, लेकिन इन लेक्चर के बगैर भी आपका बेटा जो है वो एक्सपोजर उतना ब्रॉड नहीं होगा जितना रिक्वायर्ड है, यानी जितना होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग में जब फर्स्ट लेक्चर हुआ रिकॉर्डिंग होती है और फिर क्लासिफाइंग होती है और उसके बाद समा राइजिंग होती है। अब मैं आपके साथ ये स्टेप पूरे करूंगा कि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हम जो है उसको डेबिट या क्रेडिट की कैटेगरी में फॉल करते हैं हर चीज का, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, हर चीज की डबल साइड इफेक्ट उसका आना है, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। रिकॉर्डिंग फिर मैं उसको क्लासिफाई करके दिखाऊंगा, फिर समराइज करके, ताकि टोटल अकाउंटिंग साइकिल आपकी समझ में आ सके ये होता क्या। डबल एंट्री रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होती है, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग बताता हूँ क्या है, ताकि साथ साथ आपको विजन और क्लियर हो। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि हम ले लेते हैं, चलेंगे मुख्तलिफ छोटी छोटी एग्जांपल्स ताकि बात की समझ आ सके। कहता है जी ये बिजनेस रिसीव ए लोन 5,000 फ्रॉम अ बैंक। हम क्योंकि बिजनेस के अकाउंटेंट होते हैं तो एज एन अकाउंटेंट जो है वो हमने जो है वो एंट्री करनी होती है। तो बेटा बिजनेस ने लोन रिसीव किया बैंक से, अब देखो 5,000 का लोन लिया, कुछ डेबिट होना कुछ क्रेडिट। जब लोन लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बेटा कैश मिलता है, कैश हमारा एसेट है, कैश एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, 5,000 डेबिट हो गया और लोन हमने लिया है तो ये हमारी लेबिलिटी है कि इसको हमने रीपे भी करना है, वापस भी करना है। तो लेबिलिटी यानी बैंक से हमने लिया है लोन, वो 5,000 जो है वो लेबिलिटी इंक्रीज जब भी होती है वो क्रेडिट होती है। डेबिट क्रेडिट के रूल वाला लेक्चर पढ़े फिर इसके बाद इसे करें, ये आराम से होता जाएगा, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट किस तरह होता है। फिर बिजनेस पे 800 कैश टू परचेज गुड्स फॉर रीसेल रीसेल। बिजनेस पे 800 कैश टू परचेज गुड्स। गुड्स बेटा उन चीजों को कहते हैं कि जिन्हें हम रूटीन में खरीदते और बेचते। तो गुड्स जब लेते हैं ना तो बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हुई है, बच्चे गुड्स लिख देते हैं, लेकिन बेटा जो रूटीन आइटम लेते हैं उसको परचेज कहते हैं। जैसे देखा ना शर्ट्स का बिजनेस है, शर्ट्स खरीदेंगे तो परचेज कहेंगे, लेकिन अगर दुकान के लिए शॉप के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो उसे फर्नीचर कहेंगे, उसे फिर वो हम परचेज नहीं कह सकते। कि रूटीन की आइटम जब भी खरीदते हैं वो परचेज, परचेज एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट, कि हमने परचेज की है और पे क्या किया कैश, कैश एसेट डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट, कि परचेज एक्सपेंसेस हमने बेटा क्या कर लिए डेबिट, और कैश क्योंकि हमने पे किया उसको क्या कर दिया क्रेडिट। हर एंट्री में अमाउंट भी होती है और ये अकाउंट होते हैं, अकाउंट भी होते हैं, क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ। फिर देखते हैं जी द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, यानी ऑनर जो बिजनेस का होता है ना उसे प्रोप्राइटर भी कह देते हैं। अच्छा द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस ये रिमूव्ड 50 फ्रॉम द टिल टू बाय हर हाउ हस्बैंड बर्थडे जो भी है। अब देखे ना 50 प्रोप्राइटर ने कैश रिसीव किया,
तिल तिल गल्ला जिस तरह होता है ना बॉक्स के, उसमें से निकालना। तो प्रोप्रेटर ने लिया, प्रोप्रेटर ऑनर है, ऑनर और बिजनेस सेपरेट है। तो बिजनेस से कैश उसने लिया, तो बिजनेस से तो कैश कम हुआ ना, कैश कम हुआ तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट 50। और ऑनर बिजनेस से जो कैश लेता है उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग जब भी होती है, इंक्रीज होती है, तो वो डेबिट होती है। कैपिटल ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट होता है। और अगर ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग होती है, ड्राइंग बिजनेस में जो है वो डेबिट होती है। ठीक। फिर ए बिजनेस सेल गुड्स कॉस्टिंग 300 एट ए प्रॉफिट ऑफ 140। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको, सेल की 300 की कॉस्ट थी उन चीजों की, 140 का प्रॉफिट था, तो टोटल हमने उसे 440 का सेल किया। ये 300 वाली चीज हमने 140 प्रॉफिट पे सेल की, तो 440 की सेल की, तो इसका मतलब अब ये कि सेल गुड्स कॉस्टिंग इतनी। अब उसने नहीं बताया कि ये कैश है या क्रेडिट है, उधार सेल की है या नगद सेल। तो अकाउंटिंग में अजम्पशन होती है कि जब कुछ ना बताया हो तो समझो ये क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं, हमने तो 440 प्रॉफिट समेत लेने हैं, जिस पर्सन से पैसे लेने हों उसे रिसीवेबल कहते हैं। 440 डेबिट और सेल की है, सेल इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। डेबिट को मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट थोड़ा सा छोड़ के स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे भी कह देते हैं रिसीवेबल टू सेल, ड्राइंग टू कैश, परचेज एक्सपेंस टू कैश, टू कह के भी बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ए बिजनेस रीपे 5000 बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट 270। बिजनेस ने वापस कर दिया 5000 बैंक लोन और साथ इंटरेस्ट भी पे किया 270। 5000 लोन लेबिलिटी था, क्रेडिट था, जब रीपे किया तो वो डेबिट हो गया, लेबिलिटी कम हो गई, बैंक लोन डेबिट 5000। ठीक है ना, ये पे किया साथ इंटरेस्ट दिया, तो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है ना उसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता। तो इसमें अब दो डेबिट हो रहे हैं, 5000 लोन लेबिलिटी डिक्रीज हुई तब भी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुए तब भी डेबिट। उसके बदले कैश दिया, तो 5000 और 270 मिलके 5270 क्रेडिट। कि किसी एंट्री में हो सकता है एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट, इसे कंपाउंड एंट्री कहते होते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की तादाद एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक। असल में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट आपस में सेम होना जरूरी है। अकाउंट जो है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अकाउंट एक का आपस में टैली करना जरूरी नहीं, अमाउंट का टैली करना जरूरी। फिर वापस देखते हैं, एक कैश सेल ऑफ $2। कैश सेल का मतलब हमने कैश पे नकद पे सेल की, कैश इंक्रीज हुआ $2, सेल हमारी इनकम है वो इंक्रीज हुई तो $2 क्रेडिट, क्योंकि इनकम जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। फिर पेमेंट ऑफ रेंट बिल टोटल 150। रेंट पे किया, रेंट जो पे करते हैं ना वो एक्सपेंस होता है बेटा, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 150। रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 150 पे किया है तो कैश दिया जाहरा हमने, तो कैश क्रेडिट ऐसे जब पे करते हैं तो डिक्रीज हो जाता, क्रेडिट हो जाता है। फिर बाइंग सम गुड्स फॉर कैश एट 100। कैश पे बाय की, बाय का मतलब परचेज, गुड्स की है तो फिर परचेज को डेबिट करना 100 पे, और कैश पे की है तो कैश डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हो गया 100। फिर बाइंग सम
शेल्फ फॉर कैश 200, ये गुड्स है, ये शेल्फ है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से लिखेंगे, तो फर्नीचर इसे परचेज नहीं देंगे, क्योंकि तो नॉर्मल रूटीन की चीज नहीं है। फर्नीचर डेबिट और कैश पे किया क्रेडिट, तो ये कितने का था 200, 200 से हमने खरीदा, 200 से हमने पे। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं बात को, चलने दे बेटा, कुछ एंट्रियां करेंगे तो आपका एक्सपोजर बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक कैश सेल ऑफ 60, कैश सेल है तो बेटा बिजनेस में इंक्रीज क्या हुआ, कैश सेल भी इंक्रीज हुई, सेल इनकम होती है उसे क्रेडिट कर दिया, तो ये 60 रुपीज से, $60 से। फिर पेमेंट ऑफ रेंट बिल टोटल 4500, रेंट ऑलरेडी हमने कहा कि एक्सपेंस है, कैश पे किया बिल पे करने, तो ये 4500 के एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। फिर पेमेंट ऑफ बाइंग सम गुड्स फॉर कैश 3000, 3000 की कुछ चीजें खरीदी, बाय की, बाइंग परचेज गुड्स ली है ना, तो परचेज डेबिट, तो परचेज गुड्स भाई कैश, कैश दिया, कैश क्रेडिट हो गया 3000 से। फिर बाइंग सम गुड्स फॉर कैश 3000, और फिर बाइंग सम शेल्फ एट कैश 6000। शेल्फ फर्नीचर है, फर्नीचर बेटा डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये जितनी भी अमाउंट है इसकी 6000, 6000 से डेबिट, 6000 से क्रेडिट। फिर देखते हैं जी, फर्दर करते जाते हैं ना, ये प्रैक्टिस है। बॉट ए मशीन ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी है मशीन, बेटा गुड्स तो नहीं है ना, तो मशीन डेबिट होगी, एसेट है। ऑन क्रेडिट बेटा जिसके पैसे देने हो उसे पेएबल कहते हैं, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट कर देते हैं 8000 की, 8000। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स जब खरीदेंगे या बेचेंगे, परचेज या सेल कहेंगे, गुड्स है तो परचेज डेबिट, ऑन क्रेडिट उधार खरीदिए तो वो पे एबल है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और भी एक डिफरेंस बता दूं, 500 जिससे क्रेडिट परचेज करते हैं ना तो उसको ट्रेड पेएबल कहते हैं, और जिससे कोई और मद में किसी और चक्कर में उसके पैसे देने हो उसे जस्ट पेएबल कहते हैं या अदर पेएबल। जिससे क्रेडिट परचेज करें वो ट्रेड पेएबल, किसी और सीन में हमने किसी के पैसे देने वो अदर पेएबल, ठीक। और इसी तरह सेल करते हैं, जिसको क्रेडिट सेल करते हैं वो रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल, उसके अलावा किसी काम में हमने किसी से पैसे लेने हैं वो अदर रिसीवेबल। फिर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी वैल्यू 1200, तो उधार बेची है तो रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आप कह सकते हैं 1200, सेल की है गुड्स तो 1200 क्रेडिट, ये ट्रेड रिसीवेबल कह लिया करेगा। फिर पेड डी ए सप्लायर 300, सप्लायर बेटा वो होता है जिससे उधार खरीदते हैं, यानी जो हमारा पेएबल होता है उसको हमने 300 दी, तो ये जो ट्रेड पेएबल इसको 300 देंगे तो लाइबिलिटी कम होगी, ट्रेड पेएबल डेबिट, पे किया ना कैश कम हुआ, क्यों कैश ही दिया होगा ना उसे 300, कि उसका 500 हमने देना था तो 300 हमने उसको क्या कर दिया पे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट। फिर आगे कलेक्टेड
180 फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर वो होता है जो हमारा रिसीवेबल है, जिससे पैसे लेने, उससे 180 रिसीव किया, तो बिजनेस में कैश रिसीव किया तो 180 डेबिट, क्योंकि कस्टमर से लिया वो हमारा रिसीवेबल है कि उससे लेने थे, 180 क्रेडिट। फिर पेड वेजेस 4000, वेजेस या सैलरी बेटा ये एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस डेबिट, कैश हमने पे किया तो कैश क्या हो गया क्रेडिट। पेजेस कितनी है 4000। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, रिसीव रेंट बिल 700 फ्रॉम लैंड लॉर्ड, बिल रिसीव हुआ है बेटा अभी पे नहीं किया, तो रेंट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट हो गया, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट, बिल रिसीव किया अभी पे नहीं किया तो ये पेएबल है, पेएबल क्रेडिट होगा कितने से, ये 700 से। फिर पेड रेंट 700 टू लैंडलॉर्ड, अब पे कर दिया, अब पे किया तो वो पेएबल लायबिलिटी हमारी कम होगी डेबिट, और कैश दे रहे हैं तो वो क्रेडिट, क्योंकि अब पे कर दिया, पहले सिर्फ बिल रिसीव किया था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता पहले रिसीव करते हैं तो रिसीव की एंट्री, बिल रिसीव की, और जब पे करेंगे तो फिर उसकी पेमेंट की एंट्री। फिर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 90, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे की, इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीमियम जो किस्त देते हैं, कैश क्रेडिट 90। तो इस तरह एंट्री करनी सीखें, कहीं से एंट्री लें, किसी भी बुक से ले लें, ठीक, उसकी प्रैक्टिस करें, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, इसके जेन खर्च करें, डेबिट क्रेडिट करें, तो 200-400 एंट्रियों को डेबिट क्रेडिट करें, ताकि आपको डेबिट क्रेडिट आपका सीधा हो, क्योंकि इसमें सारी जिंदगी आपके साथ जाना। अभी ये कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात है, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, तो इसके बाद फिर ये कि रिकॉर्डिंग, फिर अगला स्टेप क्लासिफाई, अभी रिकॉर्डिंग करते हैं फिर क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई फिर समराइज करके मैं आपको बताता हूँ, अभी के लिए अल्लाह।